हम समर्पण में गुरु के साथ, ये मेरा गुरु है, इस समर्पण के साथ ही रहते, और जब तक ये हमारे में नहीं आता तब तक हम उस श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं कर सकते। हमने देखा है सुदामा के बारे में भी, सुदामा को आखिरी तक भी पौरुष प्रश्न था, तुमको कहता था कि तुम एक बार मेरा नाम ले ले और मेरी जय कह दे, मैं तुझे मालामाल कर दूंगा। लेकिन सुदामा कहते थे नहीं, मेरा कृष्ण मिले। उसने दरिद्रता अनुभव की, अष्टपुत्र थे, घर में खाना खाने दाना दाना नहीं था, लेकिन कृष्ण को मानते रहे। और जब कृष्ण के पास गए तो इतने ऐश्वर्यवान बने कि सारी मथुरा को उन्होंने धनवान बना दिया, सुदामा के एक उस कृष्ण भक्ति के कारण। आज हम उतनी कृष्ण भक्ति, हमारे में वो समर्पण नहीं है, हमारे को थोड़ा कष्ट आया तो हम भगवान को गुरु को बदल देने में दो मिनट नहीं लगाए। कितने समर्पण की, कितने समर्पण की स्थिति हमारे में चाहिए, ये नहीं हो रहा है इस समर्पण की स्थिति को। क्योंकि सुदामा को पता था कि मेरी सहस्त्रार्थ जागृति में मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ तो प्रेम करता हूँ। मैंने आपको जैसा बताया कि राधा का प्रेम भी उतना ही श्रेष्ठ था। राधा भी चाहती थी कि मैं कृष्ण के साथ इतनी लीन हूँ, निस्वार्थ रूप से प्रेम करूँ, निस्वार्थ रूप से प्रेम करूँ। तो वो एक बार की बात है, राधा गोपिकाओं के साथ, सारी लोगों के साथ बैठी हुई थी और ये कुरुक्षेत्र का महान युद्ध चल रहा था। तो राधा के साथ गोपिकाएं बैठे, राधा की कृष्ण युद्ध में बैठे हैं, रथ में बैठे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि हम भी कृष्ण भक्ति को करेंगे और जिस दिन कृष्ण जीत जाएंगे या कृष्ण की जीत होगी, जिस दिन मैं आज कृष्ण का शंख यहाँ रखा हुआ है, ये शंख अपने आप बज उठेगा और कहेगा कि कृष्ण जीत गए हैं, हम उतनी भक्ति के साथ कृष्ण की पूजा करेंगे। तो सभी लोगों ने कृष्ण भक्ति करनी आरंभ कर दी। बहुत देर देखते हैं कितना भी हुआ शंख नहीं बज रहा है। राधा ने कहा कि हमारे से कोई गलती हुई, शंख क्यों बज रहा है? लोग तो कहते हैं कि कुरुक्षेत्र का युद्ध हो चुका है और यहाँ तो शंख तो बज नहीं रहा, और मैंने कहा कि युद्ध जीत जाते हैं तो शंख तो बजेगा, क्यों नहीं बजा? तो उसमें उसके बाद सभी लोगों ने कृष्ण के पास ही वो बिकाई गई और राधा अकेली बैठी हुई है और उसका यह निर्णय है कि शंख बजेगा तो कृष्ण जीतेंगे और कृष्ण जीतेगा तो समझ, और शंख नहीं बज रहा है। तो कृष्ण हंसकर कहते हैं कि शंख बजने में जो गोपिकाएं बैठी हैं उसमें एक गोपिका ऐसी है जो तुम बताने यानी बताकर जो कृष्ण भक्ति कर रही हो और वो बिना बताए कृष्ण भक्ति कर रही है, तुमने उसको तुम्हारे उस यज्ञ में उस इसमें बुलाया नहीं, अगर तुम उसको बुलाती तो बहुत अच्छा था। और उन्होंने कहा कि वो कौन है, हम कैसे पहचाने उसको? तो उन्होंने कहा कि एक शपुजी वाल्मीकि नाम था, एक गोपिका या एक भक्त है वो बैठी हुई है, तो अगर उसको बुला के लाती हो तो तुम देखो ऐसा होगा। तो वो गोपिका है राधा को ये बात बता दी कि ऐसा ऐसे कोई कृष्ण भक्त है, ऐसे कोई कृष्ण भक्ति है जो गांव के बाहर अपने भक्ति को न बताते हुए अकेली बैठी हुई है, अगर हम उसको यहाँ लाते हैं तो कृष्ण कहते हैं कि हमारा शंख बज उठेगा। सब लोगों ने ढूंढा तो एक छोटे से घर में वो बैठी हुई कृष्ण भक्ति में लीन है और कृष्ण को अपने युद्ध में जीतने के लिए प्रार्थना कर रही है। तब वो जाकर उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि आप चलो। जैसे ही वो वहाँ आते हैं शंख बज उठता है, लेकिन शंख बजता है फिर रुक जाता है, बजता फिर रुक जाता है, फिर बोले बजता फिर बज क्यों नहीं रहा है पूर्ण तरीके से? तो उसने कहा कि यह नहीं बज रहा है इसलिए कि यहाँ कुछ ना कुछ एक गलती जरूर हो रही है, कि कोई सोच कर यानी उसको उसमें ही भक्ति हमारे भक्ति में ऐसा क्यों कृष्ण कहना चाहते हैं? उसने कहा इसका एक मैं उदाहरण देता हूँ, जो ये कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ इसमें कौन कौन से श्रेष्ठ लोग हैं? बोले सब लोग श्रेष्ठ हैं। तो ऐसा करते हैं कि आज उस जो भक्त है उसने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है, इतने दिन से भूखी है, केवल कृष्ण को विजय प्राप्त करने के लिए। आप बैठकर खाना भी खाए होंगे या कुछ नहीं, लेकिन केवल कुरुक्षेत्र का जीतने के लिए आज तक बिना खाना खाए बैठी हुई है, तो आज उसको खाना खिला दें। तो जैसा ही हम लोग ने कहा कि वो अपनी भक्ति का प्रचार नहीं करना चाहती, वो बैठी हुई है, तो उसको बुलाने के लिए आए और स्वयं अर्जुन और भीम गए और उन्होंने कहा कि हे माँ, तुम हमारे घर खाना खाने को जरा, हम तुम्हें अपमान करते हैं। तो उसने कहा मैं ठीक है कल आती। वो वहाँ खाना खाने के लिए दूसरे दिन आई तो द्रौपदी ने उनके लिए बहुत सारे व्यंजन बनाए, अच्छे अच्छे तरकारी हो सब खाना का बहुत अच्छा व्यंजन, बड़ी बड़ी थाली परोसी गई, भीम उधर सब देख रहे थे। तो कहा कि आप इतने श्रेष्ठ हैं कि अपनी आपकी भक्ति की प्रशंसा अगर कृष्ण करते हैं तो आपकी, तो हम चाहते हैं कि आपका उचित खाना खाएं और हमारे को वो प्रसाद वो भक्ति हमें प्राप्त हो, तो आप पहले खाएं। और कृष्ण कहा नहीं, आप सब लोग श्रेष्ठ हैं, मैं तो मामूली गोपिका हूँ, आप सब लोग खाना खा लो मैं बाद में खाते हैं। नहीं कृष्ण, जब आपकी श्रेष्ठता कहते हैं तो आप पहले खाना खाओ बाद में हम खाते हैं।
ठीक है, आप जैसा कहते हैं वैसा वो खाना खाने बैठ गई, और जैसे ही खाना खाना बैठी शंख बजने लगा और फिर उठ गया, फिर बजा। बोले अब क्या हुआ? कृष्णा आए कहने लगे कि शंख अब क्यों पूरा नहीं बज रहा है। तो खाना खाने बैठ गई और पूरा पूरा खाना खा गई और थोड़ा सा खाना प्रसाद कर ली। तब कृष्ण को जाके पूछा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि जिसने खाना बजते से भी शंख बजा और रुका क्यों? तो उसने कहा इसका प्रश्न जाकर द्रौपदी से पूछो। सब लोग तुम समर्पित थे लेकिन द्रौपदी समर्पित नहीं थी। तो बोले द्रौपदी से पूछा गया कि भाई तुम क्या समझ रही किसके बारे में? अरे भाई मैं क्या बताऊँ, ये गोपिका भी कैसे, बोले सब तरकर एक जगह मिला दिया और सबको मिला दिया, एकदम खाने लगी। मैं एक एक मंजिल एक एक टेस्ट था, एक एक रुचि था, एक एक को देखना था ना, सब मिला के खा गई। तो तब कृष्ण ने कहा ये उसकी श्रेष्ठता है, वो प्रसाद है, सभी का प्रसाद सभी तरफ मिलाने के लिए ही वो एक जगह सभी को मिलाकर प्रसाद देता है, रुचि देखता नहीं, वो प्रसाद है, प्रसाद के लिए सभी को एक जगह मिलाकर देना हुआ। ये द्रौपदी की इनमें था कि मेरे हाथ का बनाया हुआ हर चीज का रुचि देखना था वो, और उसने हमें वैसा करके एक जगह मिलाकर दिया था। प्रसाद के रूप में वैसा ही दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं दिया जाता कि एक एक करके मेरी रुचि देखो, ऐसा नहीं, वो प्रसाद है जो प्रसाद के रूप में दिया जाता है। और उसने जब दिया और खाया और प्रसाद हुआ तो फिर शंख बज उठा और कहा ये श्रेष्ठता है, ये श्रेष्ठता को लेकर आगे चलना चाहिए। ऐसे ये कुंडली जनरेट की विधान है। क्यों कृष्ण उतना प्रेम करते थे राधा से भी ज्यादा, उसको उसके बाद उसकी प्रमुखता इसलिए थी कि उसकी कुंडली जागरण थी, उसका संस्कार जागृत था। वही नहीं, हमने बहुत सारी जगह देखा है कि एक कृष्ण भक्त थे जिनका नाम नाफा था, नाफा नाम कृष्ण भक्त थे, वो रोज अपने घर में जो संत महात्मा आते थे गांव में, उन सभी का संत महात्माओं के साथ, एक रिसेंट 1800 या 1900 में की कहानी है कि वो ये गुजरात राजस्थान में रहा करते थे, जिनका नाम नाफा था, एक भक्त थे। वो रोज अपने घर में संत वगैरह गाना बजाना करने आते थे, उनको रोज खाना खिलाया करते थे, रोज मिलते अपने घर में जो भी होता था। लेकिन एक साल ऐसा हुआ कि पानी नहीं पड़ा, वर्षा नहीं हुई और खेती नहीं चल रही, तो उन्होंने क्या देखा कि रोज सुबह सब भजन वगैरह होता था, फिर रात में खेत में जाते थे पानी लगाते थे, तो उनको बेटे ने देखा बाबा तुम रोज जाते हो, रोज जाते हो, अब तुम थक गए हो, तुम घर में बैठो, मैं जाकर खेत को देख के आता हूँ। खेत को देखने के लिए बेटा जाता था, तो एक दिन क्या देखा है कि अरे इसने तो खेत को जाने की बात किया, लेकिन सो गया है। तो वो उठे और अब स्वयं खेत को जाकर थक गया होगा बेटा, बोल के वो खेत को देखते क्या कि खेत में बेटा खड़ा हुआ। उसने कहा तू तो अभी सोया हुआ था, यहाँ कैसे क्या गया? नहीं बाबा मैं यहीं बैठा हूँ, आपको गलत हो गई, आप क्या देखते हैं? वो वहां से भागे भागे घर को आए तो देखता बेटा सोया हुआ, तो जाके वहां देखे तो उसको पता चल गया कि मेरी खेती का रखवाला स्वयं कृष्ण वहां खड़ा हुआ है। प्रभु क्यों माया डालते हो आप, यहाँ खड़े खड़े मेरी खेती की रक्षा कर रहे हो, ऐसा क्यों कहते नहीं कि मैं साक्षात कृष्ण हूँ? तो उन्होंने कहा हे भोले नापा, तुझे तू जो संत महात्मा करता है, तुझे पुण्य का काम, रोज खाना खिलाने का काम करता है, उसको तू सौ गुना करता है, कम से कम मुझे ये तो करने में उसका ब्याज चुका रहा हूँ, ये तो मैं असत तो चुकाया ही नहीं। तेरी जो दान की क्रिया है इसको देख कर मैं तो असल चुकाया नहीं, तो ब्याज तो चुकाने में मुझे। वो देखकर कहा प्रभु ये ब्याज और इसका मुझे मत लगाओ, आपकी श्रेष्ठता है, आप मुझे प्रसन्न है, आपने मुझे दिया, इससे बेहतर क्या है। हमने ऐसी ही कहानी आज करके आपने अगर शेगांव गजानन महाराज की पोथी भी पढ़ी है तो उसके 19वें अध्याय में लिखा हुआ है। एक वहां का भी उनका एक खेती धर रहता था जो गजानन महाराज को बहुत बड़ा भक्त था, और रोज उनके दर्शन को जाया करता था। तो एक दिन दर्शन करने के लिए गए तो गांव से अपने गए गजानन महाराज के पास गए, तो उन्होंने आते ही उसको कहा अरे तुम मेरे भक्त बनते हो, खेती के रखवाली के लिए मुझे करते हो, आज तुम्हारा क्या वो तुम्हारा खेती का रखवाल आया था कि गधे चल गए पूरे जो खान खलिहान में रखा हुआ था धान वगैरह, ऐसा बोला ना? वो परेशान हो गया, हाँ प्रभु आज सुबह तो आया था, तो उसने कहा था कि गधे चल गए पूरे धान को, ये बोली गया था, तुम्हें कैसा पता चला? मैं तुम्हारा गुरु होकर यही काम करता हूँ कि तुम्हारा धान की रक्षा में करता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। आज के लिए भी बात कहता है, अगर आपने गजानन महाराज की पोथी पढ़े तो उसमें ये भी कथा है 19वें अध्याय में। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जिसकी संस्कार को लिए जाना और समर्पण अपने गुरु के प्रति होता है, उसकी निष्ठा थी कि मैं हर गुरुवार को गजानन महाराज का दर्शन देता हूँ, उसकी निष्ठा थी कि मैं हर गुरुवार को एक कार्य करता हूँ, बिल्कुल चाहे पहाड़ पड़े वो वहां जाता था दर्शन देता था। तो यह निष्ठा यह समर्पण केवल कुंडली जागरण विश्वास वालों को ही होता है, नहीं तो आजकल के लोग हैं आज एक गुरुवार गया तो जाने देना दूसरे गुरुवार को करेंगे।
आज ये ज्ञान है, ऐसा नहीं। समर्पण नाम की चीज उसी को होती है जो अपने भगवान के प्रति कहता है कि उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। और उस संस्कार कुंडली जागरण की क्रिया करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको उस शिव को किस तरह जागृत करना पड़ता है, उस शक्ति से शिव को किस तरह मिलाना पड़ता है, यह क्रिया आज के दिन मैं भी बता रहा था हमारे मधुसूदन को और नागराज को। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से चतुर्दशी है और इसे भी एक शिवरात्रि कहा गया है। आज के दिन ही जब समुद्र मंथन हुआ था और देव दानव दोनों पूरा समुद्र मंथन कर रहे थे तो पहले उसमें से हराहल विष निकला और उस हराहल विष निकलने के बाद उस विष को स्वीकार करने के लिए कोई तैयार नहीं हुए। त्याग जिसको करते हैं, त्याग जिसमें होता है वही स्वीकार करते हैं, क्योंकि विष्णु उस हराहल विष को बाहर निकल से पूरे काले पड़ गए थे, सारे देवता काले पड़ गए थे, रक्षसों का तो बात ही नहीं, रक्ष तो भागी गए थे। तब उस विष को कौन ग्रहण करे, तो प्रभु शिव जी ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया था और उस कंठ को धारण करने के बाद वो नीलकंठ कहलाए। आज वो नीलकंठ कहलाने की उस स्थिति को आज हम जानते हैं। कहते हैं कि आज के दिन 16 शिव जिसमें द्वादश ज्योतिर्लिंग और 8 भैरव के हिसाब से अगर हम शिव जी की पूजा करते हैं और शिव जी का नीलकंठ स्तव का पाठ करते हैं और उसके ऊपर चढ़ाया हुआ बेल या फूल अपने पास रखते हैं तो कहते हैं कि हम किसी भी प्रकार के रोग या किसी भी प्रकार की पीड़ा या किसी भी प्रकार की ग्रहों की पीड़ा को हम कभी भी हमारे ऊपर नहीं होती। तो आज इस नए साल के इस उपलक्ष्य में मैं चाहता हूँ कि उस सारी चीज़ों का भाग्य आपको भी मिले। ये सब काशी में जो यीशुलिंग आपके सामने रखा हुआ है, जो रुद्राक्ष रखा हुआ है, ये काशी में मैंने वहीं रहकर 12 दिन पूजा करने के बाद शिवलिंग की स्थापना की थी और ये शिवलिंग जो आपके सामने है आज उसी शिवलिंग को पहले रुद्र से उनके ऊपर पुष्पाचार और तिलवाचन होगा और अभिषेक होगा और उसके बाद आपको सभी को भी उस रुद्राक्ष और उसके ऊपर एक एक फूल चढ़ाकर वो फूल आपके साथ ले जाने की और इससे अभिषेक करवाने की क्रिया करूंगा, जिससे शिव कहते हैं कि कोई नहीं जाना मेरे इस नीलकंठ स्तव को जो आज सुनता है या पाठ करता है उसकी सहस्त्रार कुंडली धारण करते हुए मैं कहता हूँ कि मैं नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध आज मैं तुम्हारी कुंडली धारण और तुम्हारे को शिव के प्रति समर्पित करता दिखता देखूंगा, ऐसा उन्होंने कहा है। तो आज पहले रुद्र स्तवन होगा, उसके बाद में नीलकंठ स्तव मैं करूंगा, आप सुनो और उसके ऊपर तिल चढ़ाकर आप हम आगे का कार्यक्रम करेंगे। मैं आप सभी को यह चाहता हूं कि हम हमारे जीवन में ऐसा कोई कार्य करें, मेरे शिष्य हो, मेरे साधक हो, मेरे गुरु भाई हो, मेरे साथ रहने वाले जो भी हो और गुरु जी ने जो मुझे ज्ञान दिया है उस ज्ञान के अनुसार मैं आपको कहता हूं कि जिस स्थिति को शिव जी ने कहते हुए कहा है कि अपने जीवन में तुम्हारे जीवन में अगर आने वाले उपद्रवों से शांति मिली है तो हम मैं भी जानता हूँ आपके आपके सभी कार्यक्रम हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, नौकरी है, बीमारियां हैं, थक जाना है, नींद आनी है, ये सारी चीज़ें आपके पीछे लगी हुई और इसके पीछे आप गुरु को कितना समय दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समर्पित समय 5 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा समय सर्विस का समय 1 घंटा और बाकी का समय पत्नी पत्नी और आपके शरीर को देखने में चले जाता है। तो ऐसे समय में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए कि आपको समर्पित बनाना चाहिए और समर्पित बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। जब अपनी शक्ति अपने बस नहीं होती, क्या कहते हैं, अगर किसको मार के हरा नहीं सकते तो हाथ में बंदूक लेते हैं, नहीं तो तलवार लेते हैं, नहीं दूसरे आयुध का अपने पास लेकर उसके ऊपर प्रहार करते हैं, तब अपने को शक्ति दूसरी शक्ति का आश्रय लेना ही पड़ता है। जब अपनी शक्ति या अपना मन या अपनी बुद्धि अपने को काम नहीं करती तो देवता शक्ति का सहारा लेना ही पड़ता है और देवता शक्ति सहारा लेने के लिए देवता ऐसा कोई देवता नहीं जिसके घर में जिसके गले में मणिमाला नहीं हो, ऐसा कोई देवता नहीं जिसके ऊपर मोर पंख नहीं हो, कौस्तुभ मणि नहीं हो, आज बालाजी वेंकटेश्वर भी हो या हनुमान जी भी हो और कोई भी हो, हर एक के जीवन में कोई ना कोई माला पहने हुए हैं, कोई ना कोई आयुध धरे उनके हाथ में पकड़े हुए हैं और इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, वो अपनी रक्षा करते हैं, चार लोगों की रक्षा करते हैं। तो आज ऐसे ही हम जब ये लेह लद्दाख गए थे तो वहाँ मैंने जब पूछा कि सिंधु नदी के प्रवाह के बारे में, जो उसके बाद हमने देखा कि एक बहुत बड़ा नील पर्वत है, नील पर्वतों की एक संख्या एक श्रेणी है, तो उन्होंने कहा इस नील पर्वत ही जब हराहल विष पीने के बाद एक बूंद उस पर्वत पर शिवलिंग के कंठ से नीचे गिरी थी वो नीलमणि पर्वत का हुआ और कहते हैं कि उस नीलमणि के पर्वत की मणि को कोई जो कोई भी धारण करता है और उसका नित्य ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते रुद्राय का मंत्र करके उस मणि को धारण करता है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का रोग पीड़ा या कुछ नहीं प्राप्त होती और नीलकंठ स्तव का एक बार भी वो शिवरात्रि के दिन पाठ करता है तो जीवन भर उसके ऊपर किसी प्रकार का उपद्रव रोग राय पीड़ा होना दरिद्र आदि नहीं रहता।
तो उसके बारे में फिर मैंने वहां उस मणि के बारे में मैंने देखा और वो मणि हम हमारे साधकों के लिए मैंने लेके आए हैं। जो लोग साधक इच्छुक हैं वो साधक मणि ले सकते हैं। मणिमाला है, मणिकंठ की माला है, जो भगवान शिव के कंठ से गिरे हुए उस पर्वत के टुकड़ों से मणिमाला बनाई गई है, वो लेह लद्दाख से भी लिए थे। आज उसको पहले रुद्र स्तव से पाठ होगा, उसके बाद नीलकंठ का स्तव करूंगा, उसके बाद आप उस मणिमाला को ध्यान करेंगे और आरती संपन्न होगी। उससे पहले एक बार गुरु जी का जय घोष करेंगे। बोलो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय।